आज जो नतीजे आए हैं जिसमें हमें एक तरफा भारत की जनता का, चार राज्यों का जो आशीर्वाद मिला है, ये इस आशीर्वाद में जो योगदान भारत की जनता ने किया है वह इस बात को बताता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए नीतियां, इस नीति को, इन नीतियों को फिर से देश की जनता ने चुनाव में जीत हासिल करा करके मुहर लगाई है। इस बात के लिए मैं मतदाताओं का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और लोगों ने उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम को मुहर लगाई है। इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आप सब की ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से और मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जो नतीजे आज आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये नतीजे बहुत तरीके से पहली बार राजनीति के दृष्टि से कुछ इंगित करते हैं, कुछ दिशा देते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं कि रास्ता बताते हैं कि भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि चार बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। ।2014 में प्रचंड जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, 2017 में प्रचंड आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और हमारी सरकार बनाई थी, और 2019 में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिला था, और इस बार फिर से 2022 में चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यह पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है, यह 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है और हमारा वोट शेयर भी 42% से ज्यादा बढ़कर के आया है। इसी प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है, यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण यह जीत हासिल हुई है। मित्रों, जहां हम आज
चार राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल बोर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है, इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं। मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है, इस बात को हमको याद रखें। और मैंने यह भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको यह याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है, इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी, वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद,